भारत सनातन धर्म की जमीन है। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और कोई भी धर्म नहीं है, ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। और ये बात कोई कट्टरता की बात नहीं है, ये सबसे स्पष्ट समझ की बात है। सनातन हम कहते ही उसको हैं जो शाश्वत है, इटर्नल है, जो बदलता नहीं, जो चेंजलेस विजडम है, वही सनातन है। तो भारत ने हमेशा उस सनातन धर्म को ही स्वीकारा है। वो कोई कल्टिस्ट सांप्रदायिक एजेंडा वाली कोई चीज लेकर कभी नहीं चला है। बाकी अगर कोई भी ऐसा संप्रदाय है जो अपने को धर्म कहता है लेकिन सीमाओं में घिरा है, किताबों में बंधा है, धारणाओं में जकड़ा है, वो सनातन नहीं। हाँ, अगर बाहर भी कोई, भारत की जमीन से बाहर भी कोई उसी सत्य को जानता है जो शाश्वत है, तो वो सनातन का हिस्सा है। अगर क्राइस्ट उसी सत्य को जानते हैं तो सनातन के हिस्से, तो सनातन धर्म के ही वो हिस्से हो गए। अगर लाओत्सु चीन में जानते हैं उसी सत्य को जो शाश्वत है, जो कि जानते हैं, तो भी सनातन के हिस्से हैं। कन्फ्यूशियस अगर उसको जानते हैं तो भी सनातन के हिस्से हैं। जरथुस्ट उसको जानते हैं तो भी सनातन के हिस्से हैं। बुद्ध हैं, महावीर हैं, जितने भी नाम हम ले सकें वो सब सनातन धर्म के ही हिस्से हैं, वो कोई अलग धर्म नहीं है। अगर कोई ऐसे देखे बौद्ध धर्म या जैन धर्म, तो बस यहीं से संप्रदायवाद, हिंसा, बिखराव सब शुरू। तो पहली चीज तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए, भारत में हमारे लिए बुद्ध हों, महावीर हों, सब एक ही धारा के यात्री हैं, कोई भी अलग नहीं है। फिर इस सनातन धर्म को सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचता है, सबसे अधिक चोट पहुंचती है, वो इसके दुश्मनों से नहीं पहुंचती, उन लोगों से नहीं पहुंचती जो इसके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, जिन्होंने अतीत में आक्रमण किए। इसको सबसे अधिक चोट पहुंचती है इसी के भीतर जो झूठे और छद्म गुरु पैदा हो जाते हैं, जो पाखंडपूर्ण धर्म की व्याख्या करने लगते हैं, उन सब के कारण। और इनमें भी सर्वोपरि एक व्यवस्था आ जाती है जिस पर अगर हम दृष्टिपात करेंगे तो हर तरफ वो चीज फैली हुई है एक खतरनाक वायरस की तरह, वो है मन्नत, मनौती, व्यक्ति की अभीप्सा, चाह कि कुछ हो जाए, कोई हमारे लिए चमत्कार कर दे। तो उस के अंदर जो किसी से चमत्कार मांगने की चाह है, वो उसको सामान्य भाषा में भारत में कहेंगे तो मनौती मानने गए थे। कोई इस देवी के हाँ, उस देवता के हाँ मनौती मानने जा रहा है, दूसरी भाषा में आ जाएंगे तो मन्नत उसको मानने जा रहे हैं। तो कोई इस दरगाह पर, तो कोई उस मजार पर, तो कोई इस बाबा के पास, तो कोई उस दादी के पास, सब मन्नत मानने, मनौती मान रहे। क्यों? क्या इन लोगों की कोई जगह होनी चाहिए सनातन धर्म में, या है जगह? बिल्कुल भी नहीं। ये वायरस है, इस वायरस से हमें मुक्त होना है। जैसे हम कोरोना के वायरस से इतनी विभीषिका में चले गए, इसी तरह से इस मन्नत और मनौती के वायरस से भी जो वास्तविक धर्म है वो विध्वंस की तरफ जा रहा है। और इसके लिए हमको ठीक ठीक वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी, इलाज करना ही पड़ेगा इसका। छोड़िए इस सब को, समझिए बात को, क्या है धर्म का सार? क्या वो हमको चमत्कारों की तरफ ले जाता है, किसी से चमत्कार की मांग करवाता है, या वो जीवन के चमत्कार को देखने की अंतर्दृष्टि देता है, बोध देता है, वो अवेकनिंग देता है? भारतीय दर्शन की गहराई में जाएं, उसके एसेंस को, उसके सार को टटोलें, तो हमेशा वो जागृति की बात कर रहा है, बोध की बात कर रहा है, वो शिवत्व की बात, बुद्धत्व की बात कर रहा है, वो परम मुक्ति की, मोक्ष की बात कर रहा है। और ये सब क्या है? ये सब है अल्टीमेट अवेकनिंग, जीवन की परम समझ, जो जीवन के प्रत्येक क्षण को चमत्कार बनाती है, वो अंतर्दृष्टि देती है जहां पर हम पूरे जीवन को चमत्कार की तरह देख पाए। लेकिन ये जो वायरस इंसान के अंदर आ गया है, उसने बहुत नुकसान किया है। कितने बाबा हैं, कितने पीर फकीर
औलिया और पता नहीं क्या क्या हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं बस, चमत्कार। उनकी मान्यता किस बात पर है पूछो लोगों से, चमत्कार हो जाते हैं। उनके पास जाओ तो सब ठीक हो जाता है, वहाँ की मिट्टी ले आओ, वहाँ चादर चढ़ाओ तो सब ठीक हो जाता है, उस मज़ार पे, उस दरगाह पे, उस मंदिर में घंटी बांधाओ, वहाँ पर धागा बांधाओ, कहीं पर झंडा लटकाओ, कहीं पर त्रिशूल गाड़ाओ। इतनी इतनी उसकी भी विचित्र व्यवस्थाएं हैं कि उसकी अगर लिस्टिंग करने लगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, इतना तो सब सामने दिखता है। अगर हम गौर से देखें जितनी ये दरगाहें मज़ार हैं, इनका क्या औचित्य है, ये होनी चाहिए, इनका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। सब चादरें चढ़ाकर मन्नत मांग रहे हैं, वहाँ बैठे हुए लोग भी चमत्कार की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन केवल उधर की ही बात नहीं, यहाँ भी कोई बाबा बैठा है हाथ उठाकर चमत्कार कर रहा है, सपनों में आ रहा है, कोई भभूत दे रहा है तो कोई गंडा ताबीज माला दे रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो चाहे वो इस कल्ट में हो, उस कल्ट में हो, कहीं भी हो, इस वायरस को ही लोग इंजेक्ट किए चले जा रहे, एक खतरनाक संक्रमण की तरह। और ये क्या है, लोगों के भोली भाली मानसिकता का शोषण है, क्योंकि लोग कमजोर हैं, असहाय अपने को अनुभव करते हैं। तो ऐसे में कोई आ जाता है और उनको कहता है कि मैं दूर करूंगा तुम्हारी असहायता, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। गीता भी कोट करने लगते हैं, देखिए कृष्ण भी गीता में कह गए हैं कि कल्याण के लिए, रक्षा के लिए मैं आता रहूंगा। तो कितने कितने लोग हैं जो कृष्ण का अवतार बन के बैठे, अभी ये सर्वे करने निकले इस कोने से उस कोने तक अपने देश में, और हजारों कृष्ण के अवतारों की लिस्ट लेकर लौट आएंगे। छोटे से बड़े आश्रम में बैठा हुआ बाबा कृष्ण का अवतार बनना है। और कभी कभी हैरानी होगी, बाबा ही नहीं, कोई फकीर पीर वो भी कृष्ण का अवतार बना बैठा, क्योंकि बाकी मजहब तो अवतार की इजाज़त देते नहीं, इधर से तो इजाज़त मिल जाती है अनुमति अवतार की। क्यों कृष्ण के अवतार क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उनको ये सुविधा मिलती है कि देखो हम धर्म की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए फिर से जन्म गए हैं। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं तो उनका मतलब क्या यही होता है? कृष्ण किस मैं की बात करते हैं? कोई व्यक्तिगत मैं नहीं, कृष्ण भीतर की ही उस अंतस चेतना की बात करते हैं। उस अंतस चेतना के जागरण से ही हमारा कल्याण होता है, उससे ही हमारी रक्षा होती है। वो विवेक, वो हमारे अंदर के अंतर्दृष्टि, उसकी जागृति के बिना कोई कल्याण कर नहीं सकता, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो इन बातों से बच जाना है। अगर भारत में वो सनातन धर्म हमको पुनर्जीवित करना है जिसकी स्थापना हमारे महान ऋषियों ने की, महान बुद्धों ने की, जिन्होंने इस मनुष्यता के जागरण का सपना देखा, अगर हमें उसे पूरा करना है तो हमें इन सारे लोगों से मुक्ति चाहिए, इन सारी व्यवस्थाओं से मुक्ति चाहिए जो मन्नत मनोती इस तरह की चमत्कारों की बातों की घोषणा करते हैं। कुछ चालाक हैं वो परोक्ष रूप से करते हैं इनडायरेक्ट, कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल है वो डायरेक्ट ही उसकी घोषणा करते हैं। कितने लोगों के पैम्फलेट उठाओ, उनके पैम्फलेट्स में सीधे सीधे चमत्कार की घोषणा लिखी होती है। कोई भी हो, इसमें थोड़ा कष्ट होगा, इस सर्जरी में थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हमारे बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर इसकी जद में आ जाएंगे कि वहां जाकर हम अपने बाल उतरवा रहे हैं। क्यों? उससे कोई ज्ञान आना है, कोई समझ आनी है? बाल उतार देने से कोई कल्याण होना है? नहीं, कुछ मन्नत पूरी हुई होगी, माना था या माने। कहीं जाके चादर चढ़ा रहे हैं, उससे कोई अंतर्दृष्टि आने वाली है, कोई समझ आने वाली है, या बस वही एक आकांक्षा कि बाबा जी, फकीर जी हमारा कल्याण करेंगे। इस सबसे मुक्त होइए, ऐसे मंदिरों को हाशिए पे डालिए, ऐसी मस्जिदों को हाशिए पे डालिए, ऐसी मज़ारों दरगाहों उनको हाशिए पे डालिए, ऐसे आश्रमों ऐसे बाबाओं को हाशिए पे डालिए, और धर्म की मूल धारा से जुड़िए, मेन स्ट्रीम से जुड़िए, जो केवल जागृति की बात करती है, केवल अवेकनिंग और बोध की बात करती है। चमत्कार न दुनिया में कोई होता है, ना कोई कर सकता है,
ना आज तक किसी ने किया, ना अतीत में किया, ना आगे कोई करेगा, ये स्पष्ट है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई बहस मुबाइसा नहीं। ऐसी मंद बुद्धि और बंद बुद्धि वाली बात नहीं करनी चाहिए कि जहाँ से विज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, इसलिए ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी लोगों के। सब विज्ञान ही है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो जागतिक नियमों के बाहर हो, सब कुछ उस जागतिक नियम के अंतर्गत हो रहा है। विज्ञान अंधा नहीं है, धर्म को अंधा मत बनाइए। धर्म सबसे अधिक स्पष्ट आंख वाली घटना है, उसको आंख बंद करने वाली घटना बनाने से बचें। और इस षड्यंत्र में, इस साजिश में जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो कितने भी महान नाम हो, कितने भी प्रसिद्ध नाम हो, कितनी भी प्रसिद्ध जगहें हो, उनको नमस्कार कर लें, क्योंकि वो इस रोशनी की यात्रा में हमको नहीं ले जा रहे हैं, वो हमको एक अंधेरी सुरंग में ले जा रहे हैं। चमत्कार, मन्नत, मान्यता, मन्नत से फिर जन्नत, जन्नत अर्थात स्वर्ग, उन स्वर्ग है एक ही। इस वर्तमान में पूरे अकर्ता भाव से जीना, और जो इस वर्तमान में अकर्ता भाव से जी पाता है वही स्वर्ग में है, वही जन्नत में है। मरने के बाद सब कुछ समाप्त है, ना कोई जन्नत है, ना कोई स्वर्ग है, कुछ भी नहीं है। और जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं है, या तो ये बात समझ लें, या ये बात समझ लें कि जीवन में जो कुछ भी है सब एक चमत्कार है। एक एक क्षण, एक एक कण चमत्कार है। और जब चमत्कार कोई कर नहीं सकता, तो किसी से उसकी मांग नहीं करिए, किसी से उसकी दुहाई मत लगाइए। घटनाएं तो ऐसी घटती हैं कि कभी कभी हैरानी हो जाती है। बुद्ध ने जीवन भर काम किया लोगों को जागृत की तरफ ले जाने का, और बुद्ध के नाम के पीछे भी कितने चमत्कार लोगों ने जोड़ लिए, कितनी कहानियां जोड़ ली, और कितना अंधविश्वास फैला दिया, जिससे मुक्त करने की उन्होंने जीवन भर भरसक कोशिश की, सब कुछ उनके ऊपर आरोपित कर दिया। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बौद्ध धर्म का निर्माण भी बुद्ध की देशना को नष्ट करने का ही एक आयोजन है, क्योंकि बुद्ध कोई कल्ट चलाने नहीं आए थे, वो केवल जगाने का काम कर रहे थे। बुद्ध के जागरण के अभियान में ही उस सनातन धर्म के पुनरुज्जीवित होने की घटना थी, उसके रेस्यूरेक्शन की, पुनरुत्थान की घटना थी। वो आवश्यक था, ना कि एक अलग कल्ट, एक अलग संप्रदाय, एक अलग धर्म बना देना। वो भी एक षड्यंत्र ही है, जाने या अनजाने, इस बात को समझ लेना चाहिए। एक बार मैं बुद्ध के ही जगह पर गया, संभवतः सारनाथ था, और जितने भी उनके लुम्बिनी जाओ या और भी कहीं जगह जाओ, वहाँ भी झंडे लगे रहते हैं चारों तरफ, तो सुंदर लग रहे थे। एक बार मैं वहाँ पे टहल रहा था, और भी मित्र साथ में थे, तो ऐसे एक झंडा उठाकर हमने देखा कि क्या झंडे पे लिखते हैं लोग। तो कुछ झंडों पे तो मंत्र और ऐसे भी लिखे थे, लेकिन अधिकांशतः 95% झंडे जो लगे थे वहाँ पर, उनमें लोगों ने कुछ न कुछ मन्नतें, मान्यताएँ लिख रखी थी। यानी कि बुद्ध के साथ भी वही काम जोड़ दिया जो मजारों पे चादर चढ़ाने का, कहीं घंटी बांधने का, कहीं धागे बांधने का काम लोग करते हैं, वही वाला काम। और बड़ा मज़ेदार तो ये संयोग कि जैसे मैंने एक झंडा खोला, देखे इस पर क्या लिखा हुआ है, तो उस पर किन्हीं सज्जन ने लिख रखा था, हे बुद्ध, हमारी एक पत्नी है, हमें दूसरी पत्नी दिला दो जो पहली वाली से ज़्यादा सुंदर हो। मैं हतप्रभ रह गया, हमने बुद्ध को किस झमेले में डाल लें भैया। एक आदमी जो अपनी एक पत्नी से भी आगे जाकर अपनी यात्रा में गया, एक के बाद दूसरी मांग रहे, फिर दूसरी के बाद तीसरी, मूढ़ता का कोई अंत नहीं है। तो ये जो बातें हैं ना, ये समझ कर अपने जीवन से सभी को विदा कर देनी है कि इस वायरस को पूरी तरह हटाना है। इसमें बहुत लोग विचलित हो जाते हैं, कईयों को लगता है धर्म पर चोट हो रही, आघात हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े नाम खड़े हुए हैं, जो मन्नत मनौती और अच्छे अच्छे नामों में, मॉडर्न नामों में उनको पेश कर रहे हैं, तुम्हारी परेशानियां दूर कर रहे हैं, तुम्हारे दुख ले रहे हैं, तुम पर्ची पर लिखकर अपनी दुख, अपनी परेशानी इस बॉक्स में डाल दो, गुरुजी उसको ठीक कर देंगे।
गुरुजी सिर पे हाथ रखेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, सब ठीक कर देंगे। ये सब क्या है? ये सब वायरस है। इस सबसे अगर हम मुक्त होंगे तो जो विशुद्ध सनातन धर्म है, जो अनादि अनंत है, जो किसी सीमा में नहीं बंधा है, वो सारी मनुष्यता में दे दीप्यमान होगा, सर्वसुलभ होगा। और वो भारत में ही नहीं, ऐसा है कि उसका कुछ विस्तार और अभ्युदय होगा जो सबके लिए अच्छा होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि सारे धर्म विदा होंगे, और उनको विदा होना ही चाहिए। कोई धर्म किसी अलग पहचान के साथ ना रह जाए, अलग अलग अभिव्यक्तियाँ रह जाएं। जैसे लोग अलग अलग कविताएं लिखते हैं, कोई शायरी लिखता है, कोई गीत लिखता है, कोई और तरह की पोएट्री लिखता है, सबको हम कविता की तरह, पोएट्री की तरह ही देखते हैं। अलग अलग चित्र लोग बनाते हैं, उनको भी हम चित्रों की तरह देखते हैं। भोजन अलग अलग हैं, बस हम उनको अलग अलग भोजन की तरह देखते हैं, उनका आनंद लेते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करते हम। तो जो अभिव्यक्तियां हैं सनातन धर्म की, बस ऐसे ही अलग अलग कुजिन की तरह, अलग अलग भोजन की तरह, अलग अलग वस्त्रों की तरह हो जाएंगी। और ये जो कट्टर कल्टिस्ट डिवीजन है, सांप्रदायिक विभाजन है, वो सब चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो जाना चाहिए। और बस एकमात्र इटर्नल रिलीजन, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, वही शेष रहना चाहिए। और हमको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हिम्मत करके जितने भी झूठे आयोजन हैं, झूठे धर्मगुरु हैं, झूठे धर्म स्थान हैं, इन सबको हमें विदा देनी चाहिए।